नेशन स्टेट्स का निर्माण मानवता के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सभी महाद्वीपों में आधुनिक समय में नेशन स्टेट्स पैदा हुए हैं। यूरोप में फ्रांस भी इसका अपवाद नहीं, किंतु नेशन स्टेट्स के बनने में किसी भी देश में अनेक घटनाएं घटती हैं, अनेक क्रांतियां होती हैं और अनेक पड़ावों को पार करके ही एक क्षेत्र विशेष, एक नेशन स्टेट या एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में उसका उदय होता है। मैं आज चर्चा करूंगा फ्रांस में 1830 की क्रांति और उसका फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव था। देखिए, फ्रांस के इतिहास में तीन क्रांतियां घटित हुई हैं। पहली 1789 की क्रांति, दूसरी 1830 की क्रांति और तीसरी 1848 की क्रांति। इन तीन क्रांतियों के माध्यम से ही फ्रांस एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है। 1830 की क्रांति जिस समय फ्रांस में हुई, उस समय हम जानते हैं कि वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस के अंदर बूर्बो वंश की पुनः स्थापना कर दी गई थी। 1814 में वाटरलो की प्रसिद्ध लड़ाई में नेपोलियन मित्र राष्ट्रों अर्थात ऑस्ट्रिया, प्रशा, इंग्लैंड और रूस, इनकी संयुक्त सेनाओं से पराजित हुआ था और यूरोप से बाहर के एक द्वीप में निष्कासित कर दिया गया था। तत्पश्चात फ्रांस में लुई 18वें, जो कि बूर्बन वंश का राजा था, उसको पुनर्स्थापित किया गया और उसने गद्दी पर बैठने के बाद अनेक राजनीतिक सुधार कर स्थिति को सुधारा। उसके बाद फ्रांस को एक्सला शैपल की संधि के माध्यम से यूरोपियन देशों के द्वारा, जो एक यूरोपीय व्यवस्था शांति कायम करने को बनाई गई थी, उसमें शामिल कर लिया गया और मित्र राष्ट्रों की सेनाएं भी पराजित फ्रांस से इस लुई 18वें के समय में ही हट गईं। 1824 में इस लुई 18वें की मृत्यु हो गई और इसके बाद फ्रांस में 1824 में चार्ल्स दशम, जो कि बूर्बन वंश का ही एक राजकुमार था, उसको राजा बनाया गया। चार्ल्स दशम अपनी मूल प्रवृत्ति में घोर प्रतिक्रियावादी था और मेटरनिक के सिद्धांतों का समर्थक था। उसका दृढ़ विश्वास था कि राजा पृथ्वी पर देवताओं का अंश है, अर्थात राजा के दैवीय अधिकारों में उसे पूरा विश्वास था और इसी कारण से उसने फ्रांस में अपने कार्यकाल में चर्च की शक्ति को बढ़ाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। वह अपनी इसी विचारधारा के कारण क्रांति के सिद्धांतों का विरुद्ध था और निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। गद्दी पर बैठते ही 1824 में उसने फ्रांस में उदारवादियों का, क्रांतिकारियों का, गणतंत्रवादियों का, बोनापार्टिस्ट दल के लोगों का भयंकर दमन करना प्रारंभ कर दिया। ये राजनीतिक दमन केवल एकमात्र ही दमन नहीं था, बल्कि इस चार्ल्स दशम ने प्रेस पर अनेक प्रकार की सेंसरशिप लगाई, लोगों के भाषण देने को रोक दिया गया, पत्रिकाओं में लेख लिखने पर प्रतिबंध लगा दिए गए और कुलीन और पादरी, जो प्रथम क्रांति के बाद फ्रांस को छोड़कर के यूरोप के अन्य देशों में चले गए थे, उनको वापस बुलवाया गया और उन्हें क्रांति के कारण जो नुकसान उनकी संपत्ति में हुआ था, उसकी क्षतिपूर्ति भी उनको वापस दिलाई गई। इससे फ्रांस का और ख़ास तौर पर पेरिस का मध्यम वर्ग भयंकर रूप से चार्ल्स दशम के विरुद्ध हो गया। इतना ही नहीं, इसने फ्रांस के अंदर ब्लास्फेमी लॉ भी इम्प्लीमेंट किया, अर्थात ईश निंदा कानून लागू कर दिया गया और ये तय हुआ कि अगर कोई ईसाई धर्म के संबंधित पैगंबर या उनके बाइबिल या उनके सिद्धांतों का विरोध करता है, आलोचना करता है, तो उसको ईश निंदा का दोषी माना जाएगा और उसे मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी। इस प्रकार इसके समय में चर्च का प्रभाव इतना बढ़ा कि फ्रांस में ये उक्ति प्रचलित हो गई कि चार्ल्स दशम की जो सरकार है ये गवर्नमेंट ऑफ चर्च है, ये गवर्नमेंट बाई चर्च है एंड ये गवर्नमेंट फॉर चर्च है। इसी प्रकार अपनी गतिविधियों को
चार्ल्स दशम निरंतर आगे बढ़ाता रहा और 1827 में इसने प्रसिद्ध नेशनल गार्ड जैसी संस्था को भंग कर दिया। इससे मध्यम वर्ग इससे भयंकर रूप से नाराज हुआ और उसके बाद स्थिति को कंट्रोल करने के लिए इसने अपने एक प्रतिक्रियावादी राजकुमार पोलिग्नैक को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस पोलिग्नैक ने प्रधानमंत्री का पद संभालते ही राजा को मना करके 1827 में चैम्बर ऑफ डिप्टीज़ के चुनाव करवाए और उसका उद्देश्य ये था कि राजा के समर्थक अगर इसमें जीत जाते हैं तो अन्य सभी दलों के लोगों का पूर्ण दमन करना संभव है और चार्ल्स दशम की सत्ता सदैव के लिए इससे निष्कंटक हो सकती है। लेकिन चुनावों का रिजल्ट चार्ल्स दशम और पोलिग्नैक के पक्ष में नहीं आया। दोबारा चुनाव कराए गए। दोबारा चुनाव भी जब चैम्बर ऑफ डिप्टीज़ के हुए तो उसमें भी राजा के समर्थकों को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में उसने पुनः इन चुनावों के रिजल्ट को भंग किया और राजा चार्ल्स दशम ने अपनी असीम शक्तियों का उपयोग करते हुए तीसरी दफ़े चुनाव कराए और इस तीसरे वक्त में भी जब चुनाव हुआ तो राजा के समर्थकों को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में राजा ने पोलिग्नैक की सलाह से 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किए और इन अध्यादेशों के कारण ही पेरिस में फ्रांस में 1830 की क्रांति घटित हुई। और चूंकि ये जुलाई महीने में हुई थी इसलिए इसे फ्रांस के इतिहास में जुलाई क्रांति भी कहते हैं। और चूंकि ये 3 दिन चली थी 27 जुलाई 28 जुलाई 29 जुलाई इसलिए इसे फ्रांस के इतिहास में 3 ग्लोरियस डेज 3 शानदार दिन की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ही ये अध्यादेश जारी किए गए इन अध्यादेशों में सर्वप्रथम था चैम्बर ऑफ डिप्टीज़ पुनः भंग की जाएगी, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी जाएगी, मतदाताओं की जो योग्यता शर्तें थीं वोट देने की उनको और अधिक कठोर बनाया जाएगा जिससे 75% मतदाता वोट देने के काबिल नहीं रहेंगे। और चौथा अध्यादेश सितंबर 1830 में फ्रांस में पुनः चुनाव किए जाएंगे। इन 4 अध्यादेशों के जारी होते ही पेरिस की जनता फ्रांस की आवाम भड़क गई और इन 4 अध्यादेशों ने आग में घी का काम किया। इस क्रांति को बौद्धिक नेतृत्व प्रदान किया 3 लोगों ने विशेष थे जिसमें थियर्स गीजो और लाफायते महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने क्रांति का बिगुल बजाने के लिए मध्यम वर्ग को विचारों से प्रेरित किया और तैयार किया। 27 जुलाई के दिन राजा समर्थकों में और क्रांतिकारी समर्थकों में आपस में टकराव शुरू हो गया और ये टकराव 3 दिन चलता रहा 27, 28, 29 जुलाई 1830। अंत में राजा ने सेना को गोली चलाने का आदेश दिया किंतु फ्रांसीसी सेना ने फ्रांस के आवाम पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और ऐसी स्थिति में मजबूर होकर के चार्ल्स दशम देश छोड़ करके ब्रिटेन भाग गया और लाफायते की मध्यस्थता से फ्रांस में एक अस्थायी सरकार बनाई गई। और इस सरकार के बाद बूरबन वंश के ही ओरलियंस शाखा के लुई फिलिप नाम के एक शहजादे को फ्रांस का नया सम्राट बनाया गया। तो एक तरीके से इस 1830 की क्रांति के द्वारा चार्ल्स दशम को देश छोड़ करके भागना पड़ा और एक बूरबन वंश की ही नई शाखा के राजकुमार लुई फिलिप को फ्रांस का नया सम्राट बना और इस लुई फिलिप को जनता का पॉपुलर समर्थन था। ये एक महत्वपूर्ण बात है फ्रांस के इतिहास के दृष्टिकोण से। अब अगर हम इस क्रांति के फ्रांस पे या यूरोप के अन्य देशों पे क्या प्रभाव पड़े इसके बारे में बात करें तो फ्रांस के बारे में तो हम स्पष्ट देखते हैं कि राजा को देश छोड़ के भागना पड़ा, नया राजा लुई फिलिप बना और उसके नेतृत्व में फिर 1848 तक जब तक तीसरी क्रांति नहीं हुई फ्रांस की जनता ने अनेक प्रकार के सुधार भी देखे, अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएँ भी देखी। लेकिन यूरोप के इतिहास में चूँकि एक महत्वपूर्ण उक्ति है कि वैन फ्रांस कैचेस कोल्ड्स एंटायर यूरोप हैड टू स्नीजेस, अर्थात जब भी फ्रांस को छींक आती है तो यूरोप के सभी देशों को जुखाम हो जाता है, ये एक यूरोप के इतिहास में प्रसिद्ध उक्ति है। तो लिहाजा यूरोप के अन्य देशों पे अगर हम इसके पड़ने वाले प्रभाव को देखें तो हम देखते हैं कि स्पेन के अंदर 1830 की क्रांति से प्रेरित होकर के स्पेनिश जनता ने विद्रोह किया और वहाँ के राजा फर्डिनेंड को विद्रोहियों की अनेक बातें माननी पड़ी। इसी प्रकार से पुर्तगाल में देखें तो पुर्तगाल में भी महारानी डोना मारिया को क्रांतिकारियों के लिए अनेक सुधार प्रस्तुत करने पड़े।
पोलैंड के अंदर देखें तो पोलैंड में भी लोगों ने विद्रोह किया, पर चूंकि रूस का जार किंग निकोलस वहाँ का बादशाह था तो उसने भयंकर दमन चक्र चला करके पोलैंड की राजधानी वारसा में क्रांति का दमन किया और भयंकर रक्तपात पोलिश लोगों का किया गया। जर्मनी के क्षेत्र में अगर देखें तो सैक्सनी, हैनोवर और बुंसीविक में लोगों ने विद्रोह किया, लेकिन राजाओं को थोड़ी थोड़ी यहाँ पर भी संवैधानिक सुधारों की खुराक क्रांतिकारियों को देनी पड़ी। आगे इटली में देखें तो परमा मोडेनी और पेपल स्टेट भी क्रांति से अछूते नहीं रहे और मैटरनिक ने यहाँ पर एक भयंकर सेना भेज करके क्रांतिकारियों का पूर्ण दमन कर दिया। स्विट्जरलैंड में भी राजा को संवैधानिक सुधार करने पड़े। होलैंड एंड बेल्जियम यहाँ पर भी लोग पीछे नहीं रहे और जो राजधानी थी ब्रसेल्स वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया और उन्होंने होलैंड से स्वयं को आज़ाद करा लिया। ये फ्रांस की क्रांति का बेल्जियम पर प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार से अगर हम इंग्लैंड को देखें तो 1832 का जो संवैधानिक सुधारों का डोज ब्रिटिश जनता को दिया गया वो 1830 की इसी फ्रांसीसी क्रांति से अनुप्राणित होकर के दिया गया। अमेरिका के बारे में अगर बात करें तो जो वर्किंग क्लास थी उसके काम करने के घंटे पहली बार तय किए गए कि 8 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं करेंगे। अस्पताल और आवास की जो सुविधाएं जो पहले अमेरिका के मूल निवासियों रेड इंडियंस को नहीं थी, उनको वो आवास और अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं मिली। और इसी तरीके से जो वहाँ निग्रो प्रजाति के लोग बसाए गए थे उनको भी मूल अधिकार प्राप्त हुए। तो हम देखते हैं कि ना केवल यूरोप बल्कि अमेरिका तक इस 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। धन्यवाद।